नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल dreamct.tutor। dreamct.tutor में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग कॉम्पोजिटिंग कैसे करें, किसी एनिमल को रियल सीन में कैसे लेकर आएं। बिकॉज मेरे से बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि सर बताएंगे कि किस तरह से अगर हम लोग कंपोज करें या फिर हम लोग जो एनिमल होते हैं 3D एनिमल्स को किस तरह से हम लोग अपने रियल सीन के साथ कंपोज कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से आप किसी एनिमल्स वगैरह को ऐड कर सकते हो अपने रियल सीन के साथ। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास वीडियो फुटेज है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं अपने कॉम्प के ऊपर में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो फुटेज कुछ इस तरह से आ चुके हैं। देन यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे लेकर आऊँ, जो 3D मेरे मॉडल हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, CGI बना सकता हूँ मैं अपने सीन पे, राइट। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, सीन को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको चले जाना है ट्रैक कैमरा पे चले जाना, राइट। तो एक बार ये ट्रैक कैमरा हो जाए फिर मैं इसके ऊपर अपने एनिमल्स वगैरह को लेकर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रैकिंग पॉइंट्स आ चुके हैं बट मुझे अभी भी प्रॉपरली दिख नहीं रहा है मेरे ट्रैकिंग पॉइंट्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडवांस में चले जाओ एंड देन यहाँ पे जाकर टिपिकल को एक बार फिर से क्लिक कर दो एंड देन फिर से इसको आप एक बार सर्च में डाल सकते हो, आई मीन ट्रैकिंग के लिए ले सकते हो। तो ये हमारे पास आ चुका है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अच्छे से नहीं है। तो वन मोर टाइम जस्ट डिटेल एनालिसिस आपको कर लेने हैं एक बार और। तो इससे क्या होगा, आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ट्रैकिंग पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे मिल चुके हैं जो भी मुझे चाहिए था, ऑलमोस्ट वैसा है यहाँ पे आ चुका है। तो ये हो जाने के बाद आपको एक चीज़ और भी याद रखना है कि आपको अगर 3D कोई भी मॉडल लेकर आने हैं तो आपको 2025 आपको चाहिए होगा आफ्टर इफेक्ट्स के लेटेस्ट वर्जन। एंड देन सेकंड थिंग इज़ कि जब भी आप कॉम्पोजिटिंग में जाओगे, लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिटिंग है ना उसमें आपको मेक श्योर कि आपका जो आप जो यूज़ कर रहे हो वो क्लासिक 3D के जगह में आपका एडवांस 3D होने चाहिए, राइट। तो ये मेक श्योर कर लेना कि ये चीज़ तो होने ही होने चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। फाइन, अब मुझे करना क्या है, जब मैं ट्रैकिंग कर लिया यहाँ पे तो आपको ये ट्रैकिंग पॉइंट्स को जो आप देख रहे हो ना इसको आप एक बार सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे। तो मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं, काफ़ी हैं इतने पॉइंट्स बट मिनिमम आपको 3 चाहिए ही चाहिए कुछ ऐसे। फाइन, तो एक बार जब सब आप सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से देन फर्स्ट आपको करना क्या है, जस्ट राइट क्लिक हो एंड देन सेट ग्राउंड प्लेन एंड ऑरिजिन कर लेना, फर्स्ट थिंग आपको यही करना है। देन राइट क्लिक अगेन, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। तो ये काम तो आपको फर्स्ट कर ही लेना है यहाँ पे। एंड देन क्या आप देख सकते हो, जो आपको प्लेनर है ना वो आप थोड़ा एक्सप्रेस करके इसको साइज़ इसकी इंक्रीज़ कर लो। ये तो इतने साइज़ ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे एनिमेट कराने हैं, ऐसे छोटे करके आप देख सकते हो कि इज़ दिस वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हो चुका है, मीन्स बहुत बढ़िया तरीके से हमारा यहाँ पे आ चुका है प्लेन, सी कुछ ऐसा। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़े से साइज़ इंक्रीज़ कर लो, साइज़ इंक्रीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट पोजीशन चेंज मत करना, राइट। पोजीशन चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसा भी चाहिए होगा साइज़ क्लिक करो एंड देन आप इंक्रीज़ कर लो, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे आपको पोजीशन चेंज नहीं करना है, राइट। तो अभी आपका यहाँ पे बहुत ही बेटर तरीके से हमारा यहाँ पे आ चुका है प्लेन। अब मुझे करना क्या है, देखो ये हो जाने के बाद ना आपको चले जाना है, तो आपको यहाँ पे जाकर स्केच फैब ले लेना। स्केच फैब में आपको जिसको भी एनिमेट कराने हैं उसके नाम लिख दो, चाहे डायनासोर हो सकते हैं, राइनो हो सकता है, हिपोज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड देन डाउनलोडेबल प्लस एनिमेटेड होने चाहिए। उसके बाद आप देख लो कि किसको आपको डाउनलोड में लेना है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एनिमेशन वाला कोई भी आप ले लो यहाँ पे जो अच्छे लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है, राइट, राइनो को। एंड देन मैं देख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मॉडल को आप डाउनलोड कर सकते हो इन रियलिटी सॉल्यूशंस जो आपको हैं, इसको तो थैंक्स बनता है बिकॉज इनके वजह से ही हम लोग को फ्री मॉडल्स एंड देन एनिमेशन मिल रहे हैं। तो मैंने इसका जो एनिमेशन है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, राइट। एंड देन जब भी डाउनलोड कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो GLB फाइल फॉर्मेट होने चाहिए, ओके। तो डाउनलोड को क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, ओके। उसके बाद मुझे वो एनिमेशन को लेकर आने हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखे थे 3D वाले। तो मैंने रैनो को मैं जस्ट लेकर आ गया, यहाँ पे रैनो आ चुके हैं। रैनो को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो सबसे टॉप में यहाँ पे
एंड देन मेक कॉम साइज कर लेना, नहीं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे आ चुका है, आप चाहो तो देख सकते हो, थोड़े से ऊपर कर लेना नहीं तो दिखेंगे नहीं। एंड देन एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर लो, राइट। तो मैंने राइनो को, अब ये तो राइनो थोड़े तो बड़े साइज भी होते हैं तो आप रख सकते हो इतने, बट शैडो क्रिएट नहीं हो रहा है। एंड देन शैडो चेक करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है जो आपको चाहिए ही चाहिए। मीन्स फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपको ले लेना है लाइट, लाइट में एनवायरमेंट होने चाहिए एंड देन कास्ट शैडो शुड बी इनेबल, राइट। ये दो काम तो आपको कर लेने हैं यहाँ पे। ओके, तो एनवायरमेंट लाइट आ चुका है, बट यहाँ पे HDR भी अप्लाई करने हैं बिकॉज ऑफ कि मुझे इसके ऊपर स्क्रीन में एंड देन इसके जो कलर टेम्परेचर ऑलमोस्ट वैसा ही मुझे चाहिए होगा। तो डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे मेरे पास HDR फाइल्स हैं, तो आपको HDR कोई भी आप ले लो जो एक्सटीरियर वाले हों, ज़्यादा बेटर है, फाइन। एंड देन इस एक्सटीरियर वाले को क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप अपने टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे, राइट। तो मेरे पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, आपको लेना है सोर्स में, सेम चीज़ पिक कर लो, राइट। जो मैंने HDR लिया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से देखो, जैसे ही आए ना यहाँ पे मेरे पास शैडो भी आ चुका है, राइट। एंड देन मेक श्योर कि आपको एडवांस में चले जाना है, रेंडर ऑप्शन में जाकर इसको फिट टू सीन कर लेना, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली उसको फिट को सीन कर लेता है, फिक्स कर लेता है। सी, बट प्रॉब्लम इज दैट ना कि जब आप प्ले कर रहे हो, मेरा राइनो एनिमेट नहीं कर रहा है, राइट। अब दो चीज़ें हैं, फर्स्ट राइनो को मुझे एनिमेट कराने हैं, तो आपको करना क्या है, आपके पास जो राइनो के जो मॉडल हैं उसको आपको यहाँ पे, राइट, तो इसको क्लिक करो फर्स्ट, राइट। एंड देन यहाँ पे सबसे लास्ट में एनिमेशन ऑप्शन मिलेंगे, आपको इसको क्लिक कर देना है। नन के जगह में जाकर आपको सिनेमा 4D फाइल है तो आपको ले लेने हैं। एंड देन आप देख सकते हो अभी कि मेरा राइनो एटलीस्ट वॉक करने लगा है, राइट। तो नाउ इट्स लुक बेटर एक्चुअली, राइट। सी, तो ये हमारा काम तो हो चुका है फर्स्ट। ये देखो राइनो हमारे साथ वर्क में ले लिया है मैंने इसको। अब लाइट को भी चाहो तो आप थोड़े से चेंज कर सकते हो बिकॉज ऑफ कि यहाँ का लाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इस पर कम आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंटेंसिटी को थोड़ा ना 120 तक मैं ले कर चला जाता हूँ, राइट। तो देखो इसकी राइनो के ऊपर भी जो लाइट आ रहा है ना वो कुछ ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप ले सकते हो 120-130 इज़ ऑल्सो फाइन, सी फाइन। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट इसके बॉडी पे भी आ चुके हैं। एंड देन इवन दो आप चाहो तो HDR को भी रोटेट कर सकते हो, मीन्स विच डायरेक्शन यू वॉन्ट, सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। अब मुझे इस प्लेन को ना हाइड करने हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सरफेस में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप चले जाओ प्लेन पे एंड देन यहाँ पे नीचे में आ जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको चले जाना है। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको लेना है मटेरियल ऑप्शन, राइट। एंड देन क्लिक कर दो आप यहाँ पे, एक्सेप्ट शैडो को एक बार क्लिक कर दो तो आपके ये हाइड हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका राइनो। तो आप देख सकते हो आपके राइनो यहाँ पे आ चुके हैं कुछ ऐसा, फाइन। तो वॉक चल रहा है आपके राइनो के यहाँ पे। लेकिन राइनो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, मैं एक बार फुल की जगह मैं क्वार्टर कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन प्ले, ओके। तो थोड़े से फास्ट होंगे। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि राइनो अपने जगह पे चल रहा है, सी, ओके, कुछ ऐसा। तो राइनो को अपने जगह से मुझे थोड़े से आगे एनिमेट करने हैं, लाइक मुझे, तो आप देख सकते हो, बट राइनो अपने जगह पे चल रहा है। मैंने जैसे यहाँ से मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ मेरा चल रहा है, राइट। तो आपको करना क्या है, राइनो में आपको चले जाना है, जब सारा हो जाए तो पी प्रेस कर दो फॉर पोजिशन, राइट। मैंने फर्स्ट यहाँ पर क्लिक किया एंड देन लास्ट फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ, राइनो को थोड़े से ना आगे कर देता हूँ इतने तक, ओके। तो आप देख सकते हो राइनो भी हमारा क्रॉस कर रहा है एंड देन वहाँ से हमारे कार भी जा रहे हैं, राइट। क्लोज एनकाउंटर है, बट या इट्स लुक बेटर, ओके। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे मिल जा रहे हैं, जैसा भी आपको चाहिए होगा। तो कुछ इस तरह से आप कंपोज कर सकते हो सीन के साथ। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक मुझसे पूछा गया था, इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरह से आप सीन के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने एनिमल को, लाइक ऐसा कुछ भी हो सकता है, डायनासोर भी ले सकते हो, किंग कॉन्ग, हांगकॉन्ग, जो आपको चाहिए, एंड देन गॉडज़िला, तो जो आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ ऐसे, राइट। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो या कंपोज कर सकते हो अपने कंप्लीट एनिमेशन को या एनिमल को विथ रियल सीन के साथ।
आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सिखाएगा। तो इस तरह से आप कंपोजिटिंग कर सकते हो, आई मीन सीजीआई कोई एनिमल को या किसी भी चीज़ को आप कंपोज कर सकते हो अपने, या मैच मूविंग कर सकते हो अपने रियल सीन के साथ, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।